इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 4 चौकियों को तबाह कर दिया है। सेना ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, भारतीय सेना की बड़ी कामयाबी। आप बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पिछले कई दिनों से किया जा रहा था, और कल भी पाकिस्तान की तरफ से शाहपुर और सादिया सेक्टर जो पुंछ जिले का इलाका है वहां पर हैवी शेलिंग और हैवी मशीन गन फायर पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है और पाकिस्तान को इसका खमियाजा उठाना पड़ा है। पाकिस्तानी सेना के 3 जवान जो है वो मारे गए हैं और उनकी 4 फॉरवर्ड पोस्टों को भारतीय सेना ने तबाह किया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से इन इलाकों में पिछले 20 दिन से लगातार सीज फायर का उल्लंघन जो है वो किया जा रहा था और जिसका जवाब भारतीय सेना ने कल बखूबी दिया है। बिल्कुल पवन, हम देखें जो आपने सीज फायर के उल्लंघन की बात कही है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान सीज फायर को उल्लंघन कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान को माकूल जवाब देना बेहद जरूरी था। अब बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन जो है वो निशारा और जोरी सेक्टर में किया जा रहा है ताकि किसी न किसी तरीके से फायरिंग की आड़ में घुसपैठ करवाई जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा स्थिति है, जो हालात इस समय बने हुए हैं, तो ISI चाहती है कि किसी न किसी तरीके से फायरिंग की आड़ में घुसपैठ हो, और यही वजह है कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन उनकी ओर से किया जा रहा था। और भारतीय सेना भी जो वहाँ पर इनके जवान जो सड़क थे LOC के ऊपर, उन्होंने करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है और ये जरूरी भी था इस समय, क्योंकि लगातार उस तरफ से फायरिंग जो है वो की जा रही है, वो दिन का समय हो या रात का समय हो, अगर हम बात करें तो दिन में 2-3 बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हर रोज उस तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल पवन, और अगर हम हालिया बयानों को देखें, चाहे हम इमरान खान के बयान को देखें या फिर वहाँ के रेल मंत्री के बयान को देखें, धारा 370 के हटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से जब से हटा है तब से ही पाकिस्तानी सेना जो है वो LOC के ऊपर सीज फायर का उल्लंघन ज्यादा कर रही है। अगर आंकड़े देखे जाए तो सिर्फ अगस्त महीने में ही लगभग 200 से ज्यादा बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जो है वो किया गया है, वो राजौरी सेक्टर और निशारा सेक्टर और कश्मीर का जो सेक्टर है वहां पर भी। तो उसी ओर से ये एक बौखलाहट है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने के बाद पाकिस्तानी जो प्रशासन है, जो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है, वो अपनी बौखलाहट LOC पे निकाल रही है सीज फायर का उल्लंघन करके। हालांकि उनको खमियाजा भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन वो लगातार इस ओर जो है वो सीज फायर का उल्लंघन करते आ रहे हैं। बिल्कुल पवन, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। पठानकोट में वायुसेना के एयरबेस से पाकिस्तान को डराने वाली कुछ तस्वीरें आई। देश का अभिमान कहे जाने वाले वायुसेना के जाबाज पायलट अभिनंदन एक बार फिर फाइटर प्लेन में सवार हुए। वही अभिनंदन जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान F-16 को ढेर कर दिया था। वही विंग कमांडर अभिनंदन एक बार फिर पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर चलते दिखे। पठानकोट एयरबेस पर विंग कमांडर अभिनंदन दिखे और साथ में वायुसेना प्रमुख BS धनोआ भी रहे। अभिनंदन का लुक पहले से कुछ अलग दिखा। अब तक उनकी लंबी और घुमावदार मूछें ही उनकी पहचान थी, क्योंकि पाकिस्तान से लौटते वक्त अभिनंदन लंबी मूछों के साथ ही दिखे थे। उनकी बहादुरी के कायल हुए लोगों ने उन जैसी मूछें रखना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उनकी मूछें पहले जितनी लंबी नहीं है। हालांकि वो पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा और जोश में दिखे। 6 महीने के आराम के बाद उन्होंने खुद को पहले से कहीं ज्यादा फिट कर लिया। इसलिए 6 महीने से भी कम वक्त में वायुसेना ने उन्हें फिर से उड़ान भरने का लाइसेंस दे दिया। अभिनंदन की वापसी का मतलब ये भी कहा जा रहा है कि वायुसेना दुश्मन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए अभिनंदन के दोबारा उड़ान भरने की तस्वीरें पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली हैं। वायुसेना प्रमुख और अभिनंदन ने पहले अपने जेट की अच्छी तरह जांच की, फिर 2 सीट वाले MiG-21 की अगली सीट पर खुद एयर चीफ मार्शल धनोआ बैठे। पिछली सीट पर अभिनंदन वर्तमान सवार हुए। थोड़ी ही देर में दोनों के केबिन को बंद कर दिया गया। उड़ान भरने की हरी झंडी मिलते ही बाकी स्टाफ मिग से दूर चला गया। फर्राटा भरता हुआ MiG-21 आसमान से बातें करने लगा। करीब आधा घंटा उड़ान भरने के बाद फाइटर जेट नीचे उतर आया। पायलट का केबिन खुलते ही अभिनंदन ने कैमरों के लिए एक पोज दिया। He's got his flying category back. That is what all pilots look forward to. I also ejected in 88. It took me 9 months to get my category back. He's been back in less than 6 months. So that's very good for him. भारत की हवाई सीमा में घुसने की जुर्रत करने वाले पाकिस्तान को धूल चटाने वाले अभिनंदन एक बार फिर हवा से बातें करने के लिए तैयार है। मिग के साथ सीना चौड़ा करके खड़े अभिनंदन की तस्वीरें पाकिस्तान को डराने वाली हैं।
इसलिए इस जाबाज की नई उड़ान की तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर छाने लगी। बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी की सुबह भारत की सीमा में अपने कुछ फाइटर जेट भेजे। इनमें अमेरिका से लिए हुए F-16 भी शामिल थे। भारत की वायुसेना पहले से अलर्ट पर थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में केवल अभिनंदन ही थे जो MiG-21 बाइसन के साथ तैनात थे। दशकों पुराने MiG-21 बाइसन से F-16 का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन माना जाता है, लेकिन अभिनंदन अपना MiG-21 लेकर निकल पड़े। उन्होंने न केवल F-16 को खदेड़ा बल्कि उसे सीधा निशाना बनाने की ठान ली। MiG-21 से ही अभिनंदन ने F-16 को ढेर कर दिया। हालांकि इस लड़ाई में MiG-21 का नुकसान भी हुआ, लेकिन अभिनंदन सही वक्त पर खुद को जेट से अलग करने में कामयाब हो गए। कश्मीर पर भारत के सख्त रुख और दुनिया भर में हो रही पाकिस्तान की किरकिरी के बाद इमरान खान के सुर बदल गए हैं। बात बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाले इमरान खान अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से पहला परमाणु हमला नहीं होगा। लाहौर में एक कार्यक्रम के समय पाकिस्तान के PM इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अपनी ओर से पहले परमाणु बम नहीं दागेगा। हालांकि इससे पहले वो लगातार यही कहते रहे कि भारत अगर कोई कदम उठाएगा तो पाकिस्तान कड़ा जवाब देगा। हम दो न्यूक्लियर आर्म मुल्क हैं, अगर ये आगे टेंशन बढ़ती है तो दुनिया को खतरा है सर। तो मैंने आपके लिए सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से कभी भी कोई किसी तरफ पहल नहीं होगी। एक तरफ भारत की सख्ती से इमरान खान के सुर बदल गए हैं, तो उनके ही रेल मंत्री एक बार फिर भारत को पाकिस्तान के परमाणु बम का डर दिखा रहे हैं। बौखलाए पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने एक बार फिर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दी, लेकिन उनके बयान ने पूरी दुनिया के सामने उनकी ही किरकिरी करवा दी। शेख रशीद ने 125 ग्राम के परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी। हमारे वहाँ 25-30 करोड़ मुसलमान है, हम एटमी जंग नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे हमारे पास पाओ आधा पाओ का भी बम है, हमारे पास आधे आधे पाओ के और पाओ पाओ के भी एटॉमिक बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, 1.25 इंच का करना है या 2 इंच का करना है। दुनिया के सामने कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान की असली सूरत एक बार फिर सामने आ गई। जैश ए मोहम्मद के सरगना और खूंखार आतंकी मसूद अजहर ने पाकिस्तान में बैठकर अपना ऑडियो संदेश जारी किया और कश्मीर के नौजवानों को उकसाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर पर आतंकी मसूद की सोच इमरान खान से भी अलग है। कश्मीर को मसूद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता, बल्कि पाकिस्तान को कश्मीर का हिस्सा मानता है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, कश्मीर और पाकिस्तान अलग अलग नहीं है। लोग तो कहते हैं कश्मीर मैं कहता हूं पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। कश्मीर के बहादुर, भयूर, समझदार, जहीन और जीरक मुसलमान इस बात के मुस्तहिक हैं कि वो पाकिस्तान की क़यादत संभालें, और पाकिस्तान कश्मीर के बगैर मुकम्मल नहीं और कश्मीर पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं। मसूद की आवाज में डर साफ दिखा। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाया आतंकी मसूद अब दहशत गर्दों को एक साथ निकलने की सीख दे रहा है। मंजिल दूर नहीं है, हिम्मत से लगे रहें और एक एक करके कटने की बजाय सारे ही इकट्ठे एक बार निकल आएं। इंडिया तो 1 महीने की मार नहीं है, 1 महीने की मार नहीं है, फिर कहता हूँ 1 महीने की मार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर चुका है, इसलिए इस ऑडियो के सामने आने के बाद इमरान के लिए दुनिया को ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान में आतंकियों को इतनी छूट क्यों है। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने एक बार फिर उनका मजाक उड़ाया है। कश्मीरियों के समर्थन में पाकिस्तान में हर शुक्रवार को आधे घंटे के विरोध प्रदर्शन की इमरान की अपील पर तीखा हमला बोलते हुए रेहम ने कहा, कई लोगों को देखकर लगा कि उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया था। रेहम ने यह भी कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर बढ़ेगा तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये दावा भी किया कि इमरान को हटाए जाने पर विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी उनकी जगह लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बीजेपी और बजरंग दल पर दिए गए विवादास्पद बयान पर घमासान छिड़ गया। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में बीजेपी और बजरंग दल के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जोड़ दिए
और बीजेपी और बजरंग दल पर आईएसआई से पैसा लेने का आरोप लगा दिया। बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जिसके बाद आरजेडी ने दबी जबान में दिग्विजय का साथ दिया। अद्भुत दौर चला है कि लोग बिना एविडेंस, बिना प्रूफ की चीजें बोलते हैं। उसकी शुरुआत खुद भाजपा के लोगों ने की है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिग्विजय सिंह से उनके दावे को साबित करने के लिए सबूत मांग लिया। अगर दिग्विजय सिंह जी कुछ कह रहे हैं तो उसके उसके प्रमाण, उसके साक्ष्य उनको सामने रखने चाहिए। जबकि गुस्साई बीजेपी ने दिग्विजय को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दे डाली। दिग्विजय सिंह के इन बयानों से कांग्रेस को कुछ समझ आना चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए उनको। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद दिग्विजय ने सफाई दी और लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। भारतीय वायुसेना में आज 8 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे। ये अपाचे हेलीकॉप्टर पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। पठानकोट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना प्रमुख बीएस धनोवा अपने रिटायरमेंट से पहले दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। 27 जुलाई को अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची थी, जिन्हें असेंबल करके उड़ाकर पठानकोट ले जाया गया था। भारतीय वायुसेना में अपाचे हेलीकॉप्टर के शामिल हो जाने के बाद ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वॉर हेलीकॉप्टर को दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। जानकारी के मुताबिक इस आधुनिक हेलीकॉप्टर में 2 हाई परफॉर्मेंस इंजन लगे हैं, जिसकी मदद से यह हेलीकॉप्टर 365 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ सकता है। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर लेजर, इंफ्रारेड और नाइट विजन सिस्टम से लैस है। नाइट विजन सिस्टम की वजह से यह हेलीकॉप्टर अंधेरे में भी दुश्मनों पर हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से अत्याधुनिक मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। भारत ने अमेरिका के साथ 22 अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का करार किया है। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव का असर लोगों की जेब पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही उनकी मुसीबत भी काफी बढ़ गई, क्योंकि चालान जमा कराने के लिए दिल्ली वालों को कोर्ट जाना पड़ रहा है और ये मुसीबत किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद ट्रैफिक पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि वो चालान होने पर जुर्माना वसूल सके। यानी ट्रैफिक पुलिस चालान तो काट सकती है, लेकिन जुर्माना भरने के लिए लोगों को कोर्ट ही जाना होगा। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक सरकार की तरफ से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दिया जाता। पुलिस को अभी वो पावर नहीं है, क्योंकि रैंक वाइज एक नोटिफिकेशन निकलना है जो जीएनसीटी निकालेगी, उसके बाद हम स्पॉट पे फाइन लेकर वहीं पर उस प्लेस केस को क्लोज कर सकते हैं। तब तक हम डॉक्यूमेंट सीज करेंगे जो कि कोर्ट भेजा जाएगा। मुसीबत सिर्फ कोर्ट में चालान भरने की नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव की वजह से ट्रैफिक पुलिस के भी पसीने छूटे हुए हैं। जनकपुरी के पास कई लोगों को अपना चालान कटाने में ही कई घंटे लग गए। किसी के पास गाड़ी के जरूरी कागज नहीं थे तो कुछ लोग घर से ये सोचकर निकले थे कि 100 रुपए के जुर्माने से ही बात बन जाएगी। आप कहां से आ रहे थे, चालान क्यों हुआ? सर हम बाला से आ रहे हैं। तो हमने इधर जनकपुरी में जाना था बाबा जी के, तो हमने जनकपुरी मुड़ने के चक्कर में लाइट का नहीं देख पाए। अच्छा, कितने का चालान बताया गया आपको? ये सर अभी कुछ हमारे को नहीं पता, ये जो मैसेज आएगा उसमें पता लगेगा कैसे भरना है। जुर्माने की नई रकम सुनकर लोग हाथ जोड़ने तक के लिए मजबूर हैं। लोग भारी भरकम जुर्माने से तो बचना ही चाहते हैं, साथ ही कोर्ट में चालान भरना भी लोगों के लिए किसी सितम से कम नहीं। कि आप रोजाना कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, आइंदा से ध्यान रखेंगे इस चीज का? बिल्कुल सर, आगे से याद रखेंगे इस चीज का। गलती हुई है? हाँ जी, गलती हुई है। इस बीच ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का असर लोगों पर भी दिखने लगा, क्योंकि नया जुर्माना लागू होने के बाद दिल्ली में 80% कम चालान कटे। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रोजाना करीब 20,000 चालान काटे जाते थे, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद यह आंकड़ा 3,900 पर सिमट गया। इस तरह दिल्ली में करीब 80% कम चालान काटे गए। 1 सितंबर से पूरे देश में भारी जुर्माने वाला कानून लागू हो गया, जिसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्माने में 5 से 10 गुना तक बढ़ोतरी की गई। मुंबई में रुक रुक कर हो रही बारिश से एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, ऐसे में मुंबई वासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर की बारिश के बाद वहां पर सड़कों पर जल जमाव की समस्या खड़ी हो जाती है और हर साल मुंबई में ऐसे ही हालात हम देखते हैं, ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। मुंबई में बीती रात से ही रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई है। मैं इस वक्त माटुंगा किंग सर्कल पर मौजूद हूं और आप देखिए ईस्टर्न हाईवे का जो ये रोड है वो नदी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि जोरदार बारिश लगातार जारी है। मुंबई के अंधेरी, बांद्रा, दादर, सायन, कुर्ला, इन तमाम इलाकों में जो है रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी तरह की वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ आपको देखिए ये पानी का जो बहाव है रोड पर है, यहाँ पे गाड़ियां चलती है, लेकिन जिस तरह से आप बारिश हो रही है उसके चलते ये नदी में तब्दील हो चुका है, तालाब बन चुका है। और इसलिए जो है आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं, सुबह सुबह लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले हैं, तीन दिनों की छुट्टी थी उसके बाद अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले हैं और यहाँ पे लोगों को पानी के बीच जो है गाड़ियों को गुजरना पड़ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए जिससे पानी भरा हुआ है उसके चलते गाड़ियां स्लो हो रही हैं और गाड़ियां स्लो होने के चलते ट्रैफिक की समस्या भी पैदा हो रही है। और ऐसे में क्योंकि देखिए अगर आप गाड़ी आगे बढ़ रही है तो उसका आधा चक्का जो है वो पानी में जा रहा है, यानी आधा चक्का लगभग डूब चुका है। और जिस तरह से तेज बारिश हो रही है उसके चलते जो है अगर ये बारिश थमी नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गर्वी गुजरात भवन का उद्घाटन किया। अकबर रोड पर अपने तय समय से पहले बनकर तैयार हुई इमारत को बनाने में करीब 113 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसके उद्घाटन के लिए पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत समेत कई लोगों ने स्वागत किया, जिसके बाद पीएम इमारत के अंदर पहुंचे और उसका उद्घाटन किया, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी इमारत के मॉडल को देखा और उसके हर हिस्से के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पीएम को इमारत का हर हिस्सा दिखाते हुए अंदर ले गए। पीएम ने इमारत के अलग अलग हिस्सों को बारीकी से देखा और उसके बारे में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और दूसरे लोगों से जानकारी भी ली। पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए इस इमारत में एक ऐसी दीवार भी बनाई गई है जिसमें नीचे से ऊपर तक पौधे लगाए गए हैं। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने दावा किया कि इस पूरी इमारत को पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। पानी ऊपर से टपक रहा है, वो पानी नीचे जाएगा, नीचे जाते जाते सभी पौधों को पानी देते हुए आखिर में ये पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, इसी पानी का फिर से यूज होना है, तो पानी का हम कहीं पे नुकसान नहीं होने दे रहे हैं। जबकि इमारत के फर्श पर भी गुजरात की झलक दिखाने की कोशिश की गई है। ये ईरान से गालीचा पहले बन के आते थे, बिल्कुल, अब वो गंदे हो जाते थे, पानी बिगड़ जाते थे, 25-50 साल में खराब हो जाते थे, उसकी जगह पे ये पत्थर से बनाया हुआ ये गालीचा है। जबकि इमारत में बिजली के इस्तेमाल के लिए छत पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्वी गुजरात भवन के हर हिस्से को बारीकी से देखा, जिसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ विज्ञान भवन पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर पीएम का स्वागत किया। माननीय प्रधानमंत्री का आगमन, जिसके बाद कुछ कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। पीएम ने उम्मीद जताई कि गर्वी गुजरात भवन के बनने के बाद प्रदेश में निवेश करने वालों को भी कई सुविधाएं मिलेंगी। मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं से गुजरात में निवेश के इच्छुक भारतीय और विदेशी निवेशकों को और अधिक सुविधा मिलेगी। पीएम ने दिल्ली में मौजूद प्रदेश के भवनों को सिर्फ गेस्ट हाउस तक ही सीमित नहीं रखने की भी अपील की। राज्यों के ये सदन दिल्ली में सही मायने में राज्यों के ब्रांड के रूप में प्रतिनिधि हो, देश और दुनिया से संवाद करने वाले हो, और इसके लिए काम करना जरूरी है। भारत ने जमैका टेस्ट में वेस्टइंडीज को 257 रनों से मात देकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली। टीम इंडिया ने शुरू से ही मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी और मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी में 416 रन बनाए, जबकि बुमराह की शानदार हैट्रिक के दम पर भारत की टीम ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 117 रन पर ही रोक दिया। हालांकि भारत ने वेस्टइंडीज को बिना फॉलो ऑन दिए दूसरी पारी में 168 रन बनाकर पारी घोषित कर दी, जिसके बाद 468 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज टीम 210 रन पर ही आउट हो गई। टेस्ट मैचों में इस 28वीं जीत के साथ ही विराट कोहली ने धोनी के 27 टेस्ट मैचों में जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया और भारत के सफलतम कप्तान बन गए। नवी मुंबई में ONGC प्लांट में आग लग गई है। राहत बचाव के लिए दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल नवी मुंबई में ONGC प्लांट में आग लग गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहत बचाव का काम जारी है। दमकल कर्मी जुटे हुए हैं और धुआं नजर आ रहा है, काला धुआं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिवाकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दिवाकर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ताज़ा स्थिति क्या है और कैसे ये आग लगी? देखिए, अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन करीब सुबह 7 बजे के आसपास जो है ये आग लगी है और फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं, जो गाड़ियां हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं और आग को बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एरिया है उरन का, जो नवी मुंबई का उरन एरिया है, उरन के बिल्कुल लास्ट जो प्रोहिबिटेड एरिया है वहाँ पर ONGC का प्लांट है और वहाँ पर पहुँचना, जल्दी किसी को वहाँ परमिशन नहीं दी जाती है जाने के लिए, लेकिन आग को बुझाने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। ONGC का जो खुद का अग्निशमन दल है, उरन महानगर पालिका का जो अग्निशमन दल है और साथ ही साथ उरन महानगर पालिका के अधिकारी और नवी मुंबई पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है। हालांकि इसके आसपास जो बताया जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि आसपास जो है कई गांव हैं जिससे उनमें डर का माहौल है, क्योंकि प्लांट में आग लगी है तो आग के फैलने का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में फायर ब्रिगेड लगातार ये कोशिश कर रही है कि आग पर काबू पाया जाए और उस पर जो है उसे फैलने ना दिया जाए। तो फिलहाल कोशिश यही जा रही है कि आग को किसी तरह काबू पाया जाए। हालांकि जो गांव वाले हैं वहां पर मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं और उनमें डर का माहौल है कि अगर आग फैली तो उसकी चपेट में वो लोग भी आ सकते हैं। लेकिन मुंबई, जो नवी मुंबई पुलिस है, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि गाँव वालों को सुरक्षित रखा जाए, उनके मन में जो डर है उसे दूर किया जाए और कहीं ना कहीं जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लेकिन ऐसा जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है 5 से 7 गाड़ियां मौके पर है और लगातार जो है वो आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। जसप्रीत, बिल्कुल दिवाकर, आप बता रहे हैं कि अभी दमकल कर्मी जुटे हुए हैं आग को बुझाने में। आप बता रहे हैं कि आसपास गांव है, गांव वाले दहशत में हैं क्योंकि आग के फैलने का खतरा है, तो क्या गाँव वालों को भी सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है? देखिए, इस वक्त जो है महानगर पालिका के और जो नवी मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और हर उपाय कर रहे हैं ताकि जो गांव के लोग जो है, जो अगल-बगल के गांव हैं, वो उसकी चपेट में ना आए और जो प्लांट में आग लगी है तो उस पर जो है जल्द से जल्द काबू पाया जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर बुलाई जा रही हैं ताकि आग को फैलने ना दिया जाए। लेकिन 1 से 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। प्लांट में ये आग है और आग के फैलने का खतरा ज्यादा बना रहता है, इसलिए जो फायर ब्रिगेड है वो लगातार जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ जो है आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आग बुझाने में काफी दिक्कतें उनको भी आ रही हैं, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और यही वजह है कि 1.5 घंटे बीतने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है इस पूरी घटना में, लेकिन फिलहाल आग को बुझाने का काम जारी है और गाँव के जो लोग हैं उन्हें जो है दूर रहने के लिए कहा गया है, मतलब घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कहा गया है कि आप अपने घर पर मौजूद रहे। कोई अगर आपको समस्या होती है तो आप अभी मुंबई पुलिस या फिर महानगर पालिका के अधिकारी उन्हें संपर्क कर सकते हैं, उसकी जानकारी दे सकते हैं और नवी मुंबई महानगर पालिका और साथ ही साथ जो है नवी बिल्कुल दिवाकर आप बने रहिए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये ONGC का प्लांट है जहां पर आग लगी है। आग के क्या कारण रहे हैं ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। और जैसा कि हमारे सहयोगी दिवाकर जानकारी दे रहे थे कि ONGC का प्लांट है, यहाँ के आसपास कई गाँव मौजूद है, इसलिए गाँव वाले भी डरे हुए हैं, दमकल कर्मी जुटे हुए हैं, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और लगभग 7 बजे ये आग लगी है। 1.5 घंटा बीत चुका है लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। ONGC का प्लांट है, ऐसे में आग के फैलने का भी खतरा है। यही कारण है कि गांव वालों को कहा गया है कि वो यहां पर ना पहुंचे, क्योंकि जब भीड़ इकट्ठा होती है तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें पेश आती हैं। फिलहाल कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। फिलीपींस की राजधानी मनीला के पास एक विमान के क्रैश होने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। मरीजों को ले जाने वाले इस विमान को मनीला में लैंड करना था लेकिन वो बेकाबू होते हुए तेजी से नीचे आने लगा और एक इमारत के ऊपर गिर गया। गिरने के बाद विमान में धमाके के साथ आग लग गई और उससे धुआं निकलने लगा। इससे पहले ये विमान पहाड़ों के पीछे से तेजी के साथ नीचे आता दिखा। इस दौरान पायलट ने दोबारा ऊंचाई पर जाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। गिरने के साथ ही विमान में आग लग गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद एम्बुलेंस के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची और विमान में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। आग बुझाने के बाद बचाव दल के लोगों ने विमान के मलबे में फंसे लोगों की तलाश शुरू की। इस दौरान उन्होंने विमान सवार सभी 9 लोगों के शवों को बाहर निकाला।
इस हादसे में इमारत में मौजूद दो लोग भी घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल की खुदाई के समय बहु बाजार इलाके में सड़क और कई पुरानी इमारतों में दरार पड़ने से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन 250 से ज्यादा घरों को खाली करवा लिया, क्योंकि इलाके के कई मकानों में मेट्रो टनल की खुदाई की वजह से बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, जिसके बाद लोगों को रातों रात अपने घर खाली करने पड़े। कोलकाता के बहु बाजार इलाके में ये वो इलाका है जहां पर ईस्ट वेस्ट मेट्रो बनने के कारण, नीचे टनल बनने के कारण कुछ जो पुराने मकान थे वो अचानक उनमें दरारें देखी गई हैं। इस घटना के बाद कोलकाता नगर निगम के इंजीनियर मकानों की जाँच करते दिखाई दिए। इलाके में रहने वाले लोगों ने मेट्रो के काम की वजह से मकानों के गिरने तक की बात बताई। बाथरूम पूरा गिर गया है और एक लेडी थे उनको हम उतार को लेकर आए, अब पीछे के साइड आस्ते आस्ते गिर रहा है। वहीं प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इलाके में आने जाने पर रोक लगा दी, पूरा बंद कर दिया इधर। अच्छा। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं इधर जाने के लिए, जाने नहीं दे रहे। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को पहली बार कौंसलर एक्सेस दिया, लेकिन इस बार भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को बिना शर्त कौंसलर एक्सेस देने की बात कही थी, लेकिन बाद में उसने मुलाकात के लिए तय जगह बदल दी और भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव आहलूवालिया और कुलभूषण जाधव की मुलाकात अज्ञात जगह पर कराई गई। एक घंटे तक चली इस मुलाकात में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की अधिकारी फरिया बुख्ती भी शामिल हुई। बताया जा रहा है कि फरिया बुख्ती को पाकिस्तान ने जासूसी के मकसद से भेजा था और भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जानकारी दी कि मुलाकात के दौरान कुलभूषण जाधव काफी दबाव में थे। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कुलभूषण जाधव पर झूठे आरोपों को कबूल करने का दबाव था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि उसने कुलभूषण जाधव से मुलाकात के बाद उनकी मां को इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी। यूपी के बलिया में दही हांडी कार्यक्रम में बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिरे कई लड़के घायल हो गए। बलिया के सुल्तानपुर गांव में दही हांडी प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें गोविंदा बने कई लड़के बैलेंस बिगड़ने की वजह से नीचे गिरकर घायल हो गए। दही हांडी प्रतियोगिता में गांव के लड़कों ने जोर शोर से हिस्सा लिया और दही हांडी फोड़ने के लिए 70 फीट ऊंचा पिरामिड बनाया, लेकिन जैसे ही पिरामिड के सबसे ऊपर पहुंचे एक लड़के ने हांडी फोड़ने की कोशिश की, तभी उसके नीचे वाले लड़कों का बैलेंस बिगड़ गया और पिरामिड में शामिल सभी लड़के जमीन पर आ गिरे, जबकि पिरामिड के सबसे ऊपर वाला लड़का हांडी की रस्सी टूटने की वजह से काफी दूर तक घिसटता चला गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। रस्सी डालकर उसको दूर कर दीवार में बांधे तो उसका साया गिर गया मेरे ऊपर। जबकि दही हांडी कार्यक्रम में हादसा होने की वजह से वहां भगदड़ जैसे हालात मच गए। पाकिस्तान में अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार हुई सिख लड़की जगजीत कौर के मामले में बीजेपी ने सिख समुदाय के लोगों के साथ विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात की। दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात के समय इस मामले में पाकिस्तान से बातचीत की अपील की गई। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मसले में पाकिस्तान से बातचीत करेगी। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में जगजीत कौर नाम की लड़की को अगवा कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और बाद में उसका निकाह भी करवा दिया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वी मुरलीधर। मुरलीधर जी, सर आपकी नेशनल सेक्रेटरी आरपी सिंह जी से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? नहीं, आरपी सिंह जी के नेतृत्व में दिल्ली के सिख समाज के जो नेतागण वो मुझे मिलने आए हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान में जो एक सिख समाज की जो एक बेटी को जो माइनर है उनको पकड़ के जबरदस्ती पकड़ कर रखा है, ऐसी जानकारी है, तो उनको उनके फैमिली के साथ एक्सेस हो, संपर्क हो, माइनर है तो माइनर का कोई स्वयं निर्णय लेने का कोई ताकत नहीं होगा, तो इसलिए उसके लिए भारत सरकार उसमें आवश्यक जो कदम है वो कदम उठाए, ये इसमें भारत सरकार का इंटरवेंशन के लिए आए हैं। मैंने ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार इस विषय को गंभीरता से लेंगे, हम पाकिस्तान के साथ इस विषय उठाएंगे।
मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह, जो कि सिख समुदाय के लोगों के साथ विदेश राज्य मंत्री से मिलने के लिए आए थे। पाकिस्तान में जिस तरीके से एक सिख लड़की को का धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, उसी को लेकर विदेश राज्य मंत्री से मिलने के लिए आए हुए थे। सर, आपकी क्या बातचीत हुई? देखिए, हमने उनसे निवेदन किया कि इस प्रकार से ये मामला हुआ है, एक माइनर बच्ची को उठाकर ले गए गन पॉइंट पर, उसको कन्वर्ट कर लिया, उसे शादी कर ली, फिर कन्वर्ट कर लिया उसको। ये मामला इसलिए हाईलाइट हो पाया क्योंकि वो ग्रंथि साहब की बेटी थी। हमारा मैं कहना कि ऐसे कई सारे मामले हो रहे हैं। अभी अभी उस मामले के बाद फिर एक एक, एक हिंदू लड़की का इस प्रकार अपहरण हुआ, उसको कन्वर्ट कर दिया गया। ये लगातार वहाँ पर हो रहा है। मेरी जो जानकारी है, वहाँ पर जमातुल दावा 50 लाख रुपया लड़कों को देती है कि आप सिख लड़कियों को बहलाओ, फुसलाओ, शादी करो, कन्वर्ट करो। इसको रोकना चाहिए। आगे की प्लानिंग क्या है? क्या आपकी विदेश राज्य मंत्री जी से बात? विदेश राज्य मंत्री जी ने कहा है कि वो इसको हर स्तर पे जहां जरूरत होगी वो इस इशू को लेकर जाएंगे। लेबनान की सीमा से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के हमले के बाद इसराइल ने भी उसके ठिकानों पर हमले किए। इस हमले के साथ ही इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए हर तरह की कोशिश करने की धमकी दी। जबकि एक दिन पहले इसराइल की सेना ने लेबनान की सीमा में हिजबुल्लाह के आतंकियों को मोर्टर से निशाना बनाया। इस दौरान इसराइल ने ड्रोन से भी हमले किए, जिन्हें लेबनान ने मार गिराने का दावा किया। इस तनातनी के बीच आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लीडर ने भी इसराइल को हमले की खुली चेतावनी दी। पिछले हफ्ते इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में ड्रोन से हमले किए थे, जिनकी चपेट में आने से कई आतंकियों की मौत हो गई थी। इसी के बाद हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमला बोल दिया। तनाव बढ़ने के बाद इसराइल ने लेबनान की सीमा में बनी सड़कों को बंद कर दिया। यही नहीं, लेबनान की सीमा के पास टैंकों, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया गया। पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। चिदम्बरम फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं और उनकी हिरासत की मियाद आज खत्म हो जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि उन्हें आगे प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा जाएगा या फिर जमानत दी जाएगी। गुजरात के राजकोट में एक आदमी ने फायर ब्रिगेड के दफ्तर के बाहर अपनी ही कार में आग लगा दी। आदमी के अपनी ही कार में आग लगाने का ये वीडियो वायरल हो गया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि अपनी ही कार को आग के हवाले इस शख्स ने क्यों किया। तो राजकोट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक शख्स की सनक देखने को मिली। उसने अपनी ही कार में आग लगा दी। ये शख्स कौन है और ऐसा इसने क्यों किया, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये वीडियो अब वायरल हो गया है और इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई हैरान है। दिल्ली के बुराड़ी में लोगों ने हाई टेंशन लाइन के नीचे अतिक्रमण कर कई कॉलोनियां बसा दी, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। नियमों के मुताबिक हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान या फिर किसी तरह का कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है। लेकिन बुराड़ी में कई कॉलोनियां ही हाई टेंशन लाइन के नीचे बस गई और कई मकानों की छतों के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन गुजरती दिखाई दी। मैं एक घर की छत पे यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे ठीक ऊपर जो आप ये लाइन देख पा रहे हैं, ये है 11,000 वोल्ट की लाइन। हाई टेंशन लाइन की इन तारों से कम से कम 4 फीट की दूरी जरूरी है, लेकिन कई जगह पर बिजली की इन तारों की दूरी बहुत कम दिखी। ऐसी तारों से कम 4 फुट की दूरी रखनी चाहिए, वरना ये इतनी पावरफुल तारें होती हैं, इतनी पावरफुल में इलेक्ट्रिसिटी होती है कि ये आपको अपनी तरफ खींच लेती है और जला देती है। लोगों ने हाई टेंशन लाइन की वजह से वहाँ कई हादसे होने की बात भी बताई। लेबर वगैरह काम करती है तो उनको भी शॉर्ट वगैरह हो जाता है, काफी सारी लेबर मर चुकी है। लोगों का कहना है कि कॉलोनियों से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों को हटाने के लिए कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन लोगों की शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से इन कॉलोनियों में लगातार हादसे हो रहे हैं। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर यहां रहने को मजबूर हैं। कई जगह पर तो हाई टेंशन लाइन छतों की रेलिंग से बंधी भी दिखाई दी।
तो ये ऊपर आप जो वायर देख रहे हैं ये 440 वोल्ट की बिजली की तार है। यही नहीं, कुछ लोग तो बिजली की इन तारों पर कपड़े सुखाते भी दिखे। एक जगह पर तो लोगों ने बिजली के खंभे तक पर अतिक्रमण कर लिया। खंभा घर के अंदर ही है, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन जब किया गया है इसमें खंभे को घर के अंदर ही रख लिया है। हालांकि बिजली कंपनी ने हादसों को रोकने के लिए हाई टेंशन लाइन को अंडरग्राउंड करने की बात कही। नेटवर्क को सेफ करने के लिए हमने एक प्रपोजल दिया था, रेगुलेटरी कमीशन को भी दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को भी बताया कि ये जो ओवरहेड है इसको आप अंडरग्राउंड कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर हुए हमले के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह पर हमले के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार माना। और उत्तर 24 परगना में बंद का ऐलान करते हुए बीजेपी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। अपनी पार्टी के सांसद पर हुए हमले के विरोध में थाने का घेराव करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही देर में सभी लोग थाने के बाहर पहुंच गए और वहां नारेबाजी तेज कर दी। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर ममता सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। भाजपा कर्मी पर हमला हुआ, क्यों पुलिस प्रशासन जवाब दो, जवाब दो। हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां रेल रोकने की कोशिश भी की। ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने का ये आंदोलन चला, आज से चालू है, चालू रहेगा। उत्तर 24 परगना में ज्यादातर दुकानों पर ताले नजर आए और वहां बीजेपी के बंद के ऐलान का ठीक ठाक असर दिखा। लेकिन बैरकपुर में कुछ और ही तस्वीर नजर आई। यहां से अर्जुन सिंह सांसद हैं, वहां बीजेपी के बंद के समय विरोध करने टीएमसी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। टीएमसी के कार्यकर्ता बंद के दौरान प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। एक आदमी ने तो टीएमसी के झंडे से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर उन्हें दौड़ा दिया। ये पूरा हंगामा पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन पुलिस बेबस होकर देखती रही। इस हिंसक झड़प में कुछ लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हॉस्पिटल में भर्ती अर्जुन सिंह से उनका हाल जानने पहुंचे। मुलाकात के बाद राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। वी मस्ट बिलीव इन पीस, वी मस्ट अवॉइड वायलेंस एंड आई एम इन पेन लुकिंग एट द वायलेंस। आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल जाने से बच गए। चिदम्बरम ने इस सिलसिले में कोर्ट से गुहार लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री को तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से छूट देने और उन्हें घर में ही नजरबंद रखने की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका के लिए लोअर कोर्ट में जाने का आदेश दिया, जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम की जमानत याचिका पर बहस हुई और कोर्ट ने चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी एक दिन के लिए बढ़ा दी। अब चिदंबरम की जमानत याचिका पर एक बार फिर बहस होगी, जिस पर सीबीआई भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। शूटिंग वर्ल्ड कप में मनु भाकेर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने गोल्ड जीता। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में मनु भाकेर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाज अपूर्वी चंदेला और उनकी जोड़ीदार दीपक कुमार ने ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। भारत ने दक्षिण अफ्रीका ए को तीसरे गैर आधिकारिक वनडे मैच में 4 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की बढ़त बना ली। मध्य प्रदेश की ग्वालियर में भिंड से दिल्ली जा रही एक बस की ट्रक से टक्कर होने के बाद 12 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई गई। श्रीनगर की पुंछ राजौरी में जवाबी फायरिंग के समय शहीद हुए जवान हेमराज जाट का आज अजमेर के रूपनगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 91 साल के बुजुर्ग की हत्या का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने घर के नौकर समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ हत्या में इस्तेमाल फ्रिज और गाड़ी बरामद की। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक कार, 2 पिस्तौल और चोरी के लाखों रुपए को बरामद कर लिया। यूपी के संभल में मामा और भांजे में हुई खूनी झड़प के बाद भांजे के परिवार के लोगों ने मामा की पीट पीट कर हत्या कर दी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के समय 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया।
विशाखापट्टनम में बनाई जा रही इमारत का एक हिस्सा ढहने से वहां काम कर रहे दो मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल हो गया। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश के बाद लिंगाना मक्की बांध से पानी छोड़े जाने से श्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित ठिकाने पर जाने की चेतावनी जारी की। यूपी के बलिया में रेलवे स्टेशन पर एक विकलांग का शव मिलने के बाद पुलिस ने रेलवे के अधिकारियों से पूछताछ की। स्पेन में सांडों की लड़ाई देखने पहुंचे दर्शकों पर एक गुस्साए सांड ने हमला कर दिया। बताया गया कि खेल के दौरान वो सांड अचानक भड़क गया और उसने छलांग लगाते हुए वहां बैठे दर्शकों में शामिल एक महिला पर हमला कर दिया। इससे पहले गुस्साया सांड दर्शकों के स्टैंड में घुसता नजर आया। सांड के अचानक हमले से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान रेलिंग की दूसरी ओर खड़े दो लोगों ने सांड के सींगों को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, जबकि एक और आदमी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। इस हरकत के बाद सांड का गुस्सा और भड़क गया और उसने वहां खड़ी एक महिला पर हमला कर दिया। सांड के हमले से महिला घायल हो गई। सांड को महिला पर हमला करते देख एक आदमी ने उस पर काबू पाने की कोशिश की। सांड के जाने के बाद वहां मौजूद लोग घायल महिला की मदद के लिए दौड़े। सांड के हमले में 19 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। यूपी के गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के कुलपति के दफ्तर में ही छात्र संघ के नेताओं और पुलिस वालों में झड़प हो गई। बताया गया कि यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव करवाने की मांग को लेकर छात्रों का एक गुट कुलपति से मिलने गया था, लेकिन वहां पहले से मौजूद यूनिवर्सिटी के चौकी इंचार्ज से कुलपति के सामने ही उन छात्रों की हाथापाई हो गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। बताया गया कि चौकी इंचार्ज ने यूनिवर्सिटी परिसर में धारा 144 का हवाला देते हुए कुलपति दफ्तर में मौजूद छात्रों की संख्या पर एतराज जताया था, जिसकी वजह से माहौल गर्मा गया। चार मुल्जिम बनेंगे, नोट करिए। इस बीच कुलपति दफ्तर के बाहर खड़े छात्रों ने वहां मौजूद अधिकारियों से अंदर जाने की मांग को लेकर हंगामा किया, जबकि यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर ने छात्रों को चुनाव की जगह पढ़ाई पर जोर देने की नसीहत दी। यदि शासन कहेगा तो हम लोग चुनाव कराएंगे, अभी शासन का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है चुनाव के संदर्भ में, तो इसलिए उन्होंने